इंदिरा एकादशी 2023। साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अश्विन मास की एकादशी महत्वपूर्ण होती है। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व होता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यम लोक की यात्रा का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन माघा श्राद्ध किया जाएगा। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक द्वारा अनजाने में किए गए सभी पाप कट जाते हैं। साथ ही इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष की माने तो इंदिरा एकादशी पर साध योग समेत कई दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जाने योग और पंचांग। शुभ मुहूर्त। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। साध योग। इंदिरा एकादशी के दिन साध योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष साध योग के शुभ कार्यों के लिए उत्तम मानते हैं। साथ ही साध योग के दौरान श्री हरि विष्णु की पूजा करने की सलाह देते हैं। इस योग के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। शुभ योग। साध के साथ शुभ योग का निर्माण भी इंदिरा एकादशी के दिन हो रहा है। ज्योतिष शुभ योग में पूजा करने की सलाह देते हैं। इस योग के दौरान भगवान विष्णु का नाम जाप से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। शिववास। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शिव दोपहर 3:08 तक कैलाश पर्वत पर रहेंगे। इस दौरान रुद्राभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। पंचांग। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:29 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से 2:51 तक। गोधिल मुहूर्त शाम 5:57 से 6:22 तक। मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:31 तक। निशा मुहूर्त रात्रि 11:43 से 12:43 तक। राहुल काल दोपहर 3:03 से 4:30 तक। ऐसे में उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को मंगलवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी 2023 व्रत पालन समय। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पालन 11 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंदिरा एकादशी व्रत एवं पूजा के नियम। साल की अन्य एकादशियों की तरह इंदिरा एकादशी पर भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इंदिरा एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान कर श्री हरि के व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। अगर पितरों की पूजा करना है तो उनकी पूजा एवं अन्य अनुष्ठान का भी संकल्प लें। अब मंदिर में स्थित भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पहले पंचामृत फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब उन्हें पीतंबर पहनाएं और धूप दीप प्रज्वलित कर भगवान शालिग्राम को अंबीर गुलाल अक्षत रोली यज्ञोपवीत कलाईनारा तुलसी दल एवं इत्र अर्पित करें। भोग में मौसम्बी फल एवं मिष्ठान चढ़ाएं। पंचामृत में तुलसी दल डालें। अब भगवान शालिग्राम की आरती उतारें और लोगों को प्रसाद का वितरण करें। पद पुराण के अनुसार करें पितरों की पूजा और दान। पितृपक्ष के दिन इंदिरा एकादशी पड़ने से इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखें और पितरों के नाम पर गरीबों को दान दें और तर्पण करें। मानता है कि इस दिन
श्री हरि की विधि विधान से पूजा करने और पितरों के नाम पर दान धर्म एवं तर्पण करने से 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और मृत्युपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पद पुराण के अनुसार इंद्रा एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा और पितरों को तर्पण कर देने से हजारों वर्ष की तपस्या से मिलने वाला पुण्य प्रताप होता है। इंद्रा एकादशी अश्विन मास में पड़ता है। इस मास में शुद्ध घी, दूध, दही और अन्न दान करने तथा भूखों को भोजन खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है, गृहस्थ जीवन मंगल बना रहता है, हर मनोकामना पूरी होती है। इंद्रा एकादशी का महत्व। पितृपक्ष की इंद्रा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंद्रा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा था, जो महसीपति नगरी में राज करता था। उसे पुत्र, पोत्र, धन, धान आज सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई है। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई और वह अभी भी यमलोक में ही हैं। राजा ने नारद जी से पूछा उपाय। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद उत्तर में दिया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को भी सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंद्रा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की, साथ ही राजा ने पितरों को श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इंद्रा एकादशी के दिन ना करें ये काम। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा माना गया है। ऐसा करने से व्रत भंग का दोष नहीं लगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ना ही बाल, दाढ़ी, नखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन व्रत का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना जैसे कार्यों को करने की भी मनाही है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत आप ना भी रखते हो फिर भी इस दिन चावल के सेवन से परहेज करना अच्छा माना गया है। पितरों को प्रसन्न करने के ये हैं खास उपाय। मानता है कि भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। माना यह भी है कि इस दिन कुछ उपायों का पालन करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ साथ पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें, साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृ दोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। एकादशी व्रत के दिन संध्या काल में तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पौधे की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है
और परिवार में धन धान व सौभाग्य की वृद्धि होती है। इंद्रा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही आप इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और खुशियों का मार्ग खुल जाता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है, घर में ज़्यादा कलेश झगड़े होते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में रुकावट आती है। तो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही पितृदोष से मुक्ति की संभावना भी बढ़ जाती है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन 5 पान के पत्तों पर रोली और कुमकुम से श्री लिखें और फिर इनको भगवान विष्णु को अर्पित कर दें और उनकी आराधना करें। पूजा करने के बाद पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी व व्यवसाय में उन्नति होती है और सभी कष्ट भी दूर होते हैं। इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार के सामने गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और चरणों को स्पर्श करते हुए पुण्य फल पितरों को प्रदान करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।